Record the meeting. Yes, students. Am I audible here online? Okay, thank you so much. Let us start. Okay, today we are going to do the practical. Aim is last practical to study parts of a flower. Right? Arshia is not there. Drishti, take the screenshot after 15 minutes and send me. Okay? To study parts of a flower. Then things required. A petri dish. फ्लावर का नाम हम कौन सा ले रहे हैं? हिबिस्कस. फोर्सेप. मेथड. लेट अस स्टार्ट विद इट. स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, our syllabus is completed today. We have done 3 cycles. We have done all the chapters that were in the syllabus, right? Syllabus is complete. Practicals are also complete today, right? So complete your practical file, complete your copies. Copies ka message maine 6th ek ko aaj bhej diya hai. 6th week ko 2 ko din mein aa jayega, right? After that I will start the checking of practical files. So complete your work by then. Jo hamare term 2 ke hain, सितंबर के बाद वाले प्रैक्टिकल्स हैं जो हमने अक्टूबर दिसंबर में करे हैं, वो वाले प्रैक्टिकल्स और इस टर्म वाले प्रैक्टिकल्स, राइट? एक हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन कर चुके हैं, अनदर इज टू स्टडी पार्ट्स ऑफ फ्लावर, राइट? सो डू इट, कंप्लीट योर प्रैक्टिकल फाइल्स, खत्म करके रखो, जब मैसेज आएगा उसी दिन भेज दो. एंड फ्यू ऑफ यू हैव नॉट सेंड द पीपीटीज टू मी येट. आज डिफॉल्टर लिस्ट मैंने भेज देनी है. जिनकी पीपीटीज नहीं आई है आज हर हाल में भेज दो, उसके बाद मार्क्स नहीं लगने क्योंकि हमने मार्क्स लगा के सबमिट करवाने हैं, राइट? तो दोबारा उसमें चेंजेस नहीं होती. वंस यू आर मार्क्ड जीरो तो वो जीरो ही रहेगा. इज दैट क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट. बच्चे, हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर स्टडी करने हैं. दिस इज पेट्री डिश. इसको हम क्या बोलते हैं? पेट्री डिश. यू माइट हैव सीन चीजें इस पे रखी जाती हैं लाइक दिस. You can see I have kept the flower. This is a flower जिसके हम parts study करेंगे. Is that clear? Is that clear to all? The name of this flower is hibiscus. इसको आप बड़ा सा flower भी एक देखते हो, सुंदर सुंदर petals बाहर आई होती हैं अलग अलग colors की, right? ये अभी क्योंकि weather नहीं है तो bloom नहीं हुए ज्यादा, right? So let us start the study. बच्चे, this is pedicel. This pedicel, it is attached to the stem or branch. ये जो डंडी होती है, this is known as pedicel. ये बेटा leaf-like structure, you can see these are leaf-like structures. ये देखो, this, can you see? These are sepals, right? ये भी sepals है, okay? Now I am going to remove it. You can see there is a swollen part at the bottom. ये देखिए, this is a swollen part. ये दिख रहा है आपको? ये वाला swollen, जिसको हम thalamus बोलते हैं, right? Clear? Then बच्चे, these ब्यूटिफुली कलर्ड, दीज आर पेटल्स. क्या है ये? पेटल्स.
हो गया. नाउ आई गेस यू कैन सी दीज. ये क्या है? एंथर्स एंड फिलामेंट स्टेमन. एंड ये जो है दिस इज स्टाइल. अगर मैं आपको ये खोल के दिखाऊं, ये देखो, इधर आओ समृद्धि, वन बाय वन आओ, हाथ करो. दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन. नेक्स्ट देखो, बाइलोब स्ट्रक्चर ऊपर नजर आ रहा है. लुक, फिलामेंट एंड एंथर कम. देखो बाइलोब स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. सारा क्रश हो जाएगा, जोर से हाथ नहीं रखना. आ जाओ, देखो नीचे फिलामेंट है, ऊपर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है. कैन यू सी? दिखा या नहीं? नहीं दिखा तो बताइए. स्टेमन जिसको आप बोलते हो, ये लो अर्शिया. वेट, सी फिलामेंट है एंड नेक्स्ट दिखा. हाँ, यस और नो? नेक्स्ट नेक्स्ट सी देखो फिलामेंट आ रही नजर की, और तोड़ के दूं. येलो येलो फिलामेंट ले जाओ. Right? All of you have taken? The stamen part is clear to you now? Okay. So, बच्चे यहां पे after this there is a stigma. Can you see this part? इनके ऊपर ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज स्टिग्मा. ये देखो इनके बीच में ऊपर रेडिश सा पर्पलिश सी टोन है, राइट? एंड दिस इज स्टाइल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, राइट? इफ आई ओपन इट तो नीचे आ गया स्वोलन स्ट्रक्चर, दैट इज ओवरी. सी दिस इज अ स्वोलन स्ट्रक्चर ना, यू कैन सी आई गेस. ये देखिए, कैन यू सी दिस स्वोलन स्ट्रक्चर? ये निकल आया जैसे हम ड्रॉ करते हैं, राइट? स्टिग्मा, देन ये स्टाइल है, देन दिस इज ओवरी. इफ आई कट इट ओपन, ये देखो ये निकल के आई है. लुक 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 लुक, सिग्मा स्टाइल ओवरी, राइट? इफ आई रिमूव इट, टूट ही गया, बस ओवरी है ये. इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं. इज दैट क्लियर? दीज फ्लावर्स आर इजीली अवेलेबल. You can anytime check it at your home. You can see them around your houses, in the gardens,
right? Yes, Raghav, your doubt? Yes, Raghav? Do you have any doubt? No, he is not responding. Harmeet Singh? I couldn't hear you, beta. क्या कह रहे हो? मैम एक बार मैम दोबारा बता दो मैम कौन कौन से डायग्राम करने हैं? कौन कौन डायग्राम? डायग्राम्स की मैंने लिस्ट बनवाई हुई है आपको, हम इस प्रैक्टिकल के बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है? देन जस्मीन, जस्मीन डिस्कस द सेक्शन. यस, तो मैम इसके टू पार्ट्स कैसे होगी? मेल एंड स्टिग्मा एंड पिस्टिल कैसे हो गया? स्टिग्मा एंड पिस्टिल कैसे हो गया? पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. मैम स्टैमेन एंड पिस्टिल, तो ओवरी भी तो दिखाई है मैंने. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल्स, ये पिस्टिल के पार्ट्स हैं, राइट? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज स्टेमन, जिसमें एंथर एंड फिलामेंट. गॉट इट? राइट जस्मीन? बट मैम ये तो जोनिश. क्या कह रहे हो बेटा? क्या कह रहे मैम? जोनिश एक्चुअल है. हाँ जी मैम, आपने ये यूनिसेक्सुअल में लिखवाई है एग्जांपल हिबिस्कस की. बेटा आई कैन नॉट हियर यू, प्लीज सेंड द मैसेज. राइट, ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव सीन दिस. पर मेथड में क्या आएगा? वी टुक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग. वी टुक द फ्लावर एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग. तो आपने क्या क्या ऑब्जर्व करा वो ऑब्जर्वेशंस में आ जाएगा. क्या ऑब्जर्व करा आपने सबसे पहले? यू ऑब्जर्व पेडिसिल, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखोगे आप. नंबर टू, यू ऑब्जर्व सेपल्स, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखोगे. देन थैलेमस, पेटल्स, राइट. नंबर फाइव, स्टेमन, पिस्टल, इन सब की आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे, राइट? सो योर रूल्ड पार्ट इज कवर्ड. व्हाट अबाउट द प्लेन पार्ट? प्लीज कवर योर फेस वियर द मास्क. Next is diagram. Diagram mein you have to draw the parts of flower. Right? Pura parts of flower label karoge. Along with that, stamen and pistil. This you have to draw. Right? Hanji Gaurish, your doubt? यस मैम, नेटवर्क इश्यू के कारण मैम मैंने रीजॉइन की है क्लास. तो मैम आपने मेथड में क्या लिखवाया था? वी टुक द फ्लावर एंड ऑब्जर्व्ड द फॉलोइंग पार्ट्स, ठीक है? तो ये तो आप अपने आप लिख सकते हो मेथड, तो देयर इज नो नीड टू ऑफ मी टू टेल यू, राइट? ओके स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर. इफ यू हैव एनी डाउट regarding this chapter, you can ask me right now. I can be taking your doubts today. From tomorrow, we will start the revision. But before moving forward, let me tell you, this Friday, you are having test. Kis cheez ka test doge aap? Lesson 7, right? And fun with magnets.
आपका लाइट शेडो रिफ्लेक्शन का सब्जेक्टिव टेस्ट हो चुका है, अब इन दोनों का आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, एमसीक्यू। दो चैप्टर्स हैं, राइट? यस कार्तिक, आई एम कमिंग टू यू। वी आर गोइंग टू टेक द डाउट्स टुडे ओनली, राइट? डाउट्स इन दिस चैप्टर। सो दोज हु आर सिटिंग हियर स्टार्ट ड्रॉइंग द डायग्राम सो दैट आई कैन चेक इट। इन द मीन टाइम इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेज योर हैंड्स। हरमीत सिंह, हरमीत, आई कुडंट हियर इवन अ सिंगल वर्ड। मैम मेरा ना नेटवर्क इशू था मैम, व्हाइट पेज पे क्या लिखना है? क्या लिखना है मैम व्हाइट पेज पे क्या लिखना है? बेटा डायग्राम ड्रॉ करनी है आपने पार्ट्स ऑफ फ्लावर की, स्टेमन की अलग से और पिस्टिल की, राइट? इज दैट क्लियर? ओके मैम। और मैम इशू कार्ड भी लिखनी है। हाँ जी मैम, एक और हरमीत, I couldn't understand you what you are saying. Please send the message. Savya, your doubt? Yes, ma'am. एक बार टेस्ट रिपीट कर दो, कौन कौन से चैप्टर? टेस्ट ऑफ लेसन 7 एंड फन विद मैग्नेट्स। कल से हम फन विद मैग्नेट्स की रिवीजन स्टार्ट करेंगे, राइट? ओके। देवांग मैम, मुझे ये डाउट था कि जब सो पल्सेस वाली एक बारी आपने एक्टिविटी दी थी उसका डायग्राम नहीं पता मुझे। कौन सी एक्टिविटी मैम? पल्सेस वाली एक्टिविटी थी, ग्रेन्स वगैरह वाली। बेटा वो फर्स्ट टर्म में थी, है ना? ओके मैम। कौन सी एक्टिविटी पल्सेस ग्रेन्स वाली? एक तो थी हमने स्प्राउट्स बनाए थे, एक हमने सेपरेशन वाली करी थी। आप कौन सी बात कर रहे हो? मैम सेपरेशन वाली। ओके, उसमें आप कोई डायग्राम नहीं है, देयर इज नो डायग्राम, ठीक है? ओके मैम। क्या हुआ बेटा? राघव मल्होत्रा, योर डाउट? यस हरमीत सिंह, आपको लिखने हैं एम्स एंड थिंग्स रिक्वायर्ड ऑन व्हाइट पेज। फर्स्ट टाइम थोड़ी कर रहे हैं हम। राघव मल्होत्रा, ये डाउट बेटा? मैम थोड़ा सा साइड पे हो जाओ, पीछे से दिख नहीं रहा जो आपने लिखे है ना बाकी का। ओके जी, ओके। इफ आई विल गेट अ साइड हाउ विल आई सी द पीसी? हां जी अरमान अरोड़ा, यू हैव नॉट स्टार्टेड। कार्तिक, यस मैम, मैंने पूछना है जो प्लेन पेज पे हमने डायग्राम बनानी है, एक तो हमने जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर का बना दिया, उसके बाद हमने स्टैमेन और पिस्टिल का अलग से भी ड्रॉ करना है। बिल्कुल बिल्कुल, अलग से ड्रॉ करना है। मैंने देखो मेंशन किया अलग से, इट मींस यू हैव टू ड्रॉ इट सेपरेटली आल्सो, राइट? ओके। दृष्टि, स्टॉप टॉकिंग। मैम मैंने, हाँ जी बोलिए मैम। जो ये टेस्ट है ये एमसीक्यूस फॉर्म में आएगा कि सारे दोनों फॉर्म में आएगा? सारा चैप्टर करो आप, सारा चैप्टर अच्छे से करो जिस मर्जी फॉर्म में आ सकता है, ठीक है? ओके। हाँ जी आर्यन, यस आर्यन। मैम जो नाइट्रोजन साइकिल वाला चैप्टर है वो खत्म कब हुआ? एयर वाला चैप्टर था ना वो, जो हमने फर्स्ट टर्म में सॉरी दिसंबर में कर लिया था, एयर अराउंड अस करा ना हमने, एयर वाला चैप्टर नहीं करा? 15 चैप्टर है शायद, है ना? यस उस चैप्टर के साइकल्स हमने ये गैसेस कौन से चैप्टर में करी है, उसी में करी है, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, उसी चैप्टर में से है, राइट मैम? तो उसके, यस मैम। हाँ तो उसके क्वेश्चन आंसर्स आप लास्ट टाइम चेक करवा चुके हो? Yes, ma'am. तो उसके सिर्फ साइकल्स अप करवाए हैं मैंने, एड ऑन करवाया उसमें थोड़ा सा और, ठीक है? ये उसी का पार्ट है, राइट? ये हम बाद में करवा देते हैं, ओके? पार्थ,
योर डाउट मैम, मैंने मैम पूछना था कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स वाला चैप्टर है वो भी आएगा तो मैम सिलेबस में वो लिखा हुआ है ना? बिल्कुल आएगा। यस स्टूडेंट्स, वेरी राइट क्वेश्चन पार्ट। आपको मैंने बोला था 10% हमारा कैरी फॉरवर्ड होता है, राइट? तो फर्स्ट टर्म का इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स इज गोइंग टू कम दिस टाइम इन मार्च अलोंग विद सिलेबस ऑफ टर्म टू। अक्टूबर से लेके हमारा मार्च तक जो हमने कवर किया है वो सारा आएगा, प्लस पिछला सितंबर तक में से हमारा इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स आएगा, राइट? सो स्टार्ट रिवाइजिंग दैट चैप्टर आल्सो। अपने पुराने नोट्स उठाओ, उनको भी पढ़ना शुरू करो। इज दैट क्लियर? हाँ जी आर्यन। मैम हमने मेथड में क्या लिखना है? मेथड आपने कैसे करा, ये वही मेथड है? क्या करा है हमने अभी? मैम मेरी थोड़ी क्लास लेट ज्वाइन हुई क्योंकि वो नेटवर्क इशू के कारण था। वी टुक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व्ड द फॉलोइंग पार्ट्स एंड स्टडीड द फॉलोइंग पार्ट्स। एनी अदर डाउट टू एनीवन? एक लिस्ट ऑफ डायग्राम्स किसी बच्चे ने बोला था, आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन दोज डायग्राम्स। पार्ट्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी नोट कर लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्टेम, पार्ट्स ऑफ लीफ, विनेशन, टाइप्स ऑफ रूट, एलएस ऑफ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट? माधव योर डाउट? मैम एक बार मैम ऑब्जर्वेशन दिखा दो। ये सारे पार्ट्स आपने एक्सप्लेन करने हैं जो फ्लावर के पार्ट्स हैं, जो जो आपने ऑब्जर्व किया है, राइट? हियर दोज हु हैव ड्रॉन द डायग्राम दे कैन शो मी। कम स्टार्ट शोइंग मी द डायग्राम। Still, if any of you is having any doubt, you can ask me. आज हम सिर्फ doubts देखेंगे, कल से हम revision start करेंगे। Devang, your doubt? मैम एक बार seed की मतलब definition एक बार बता दो, मेरी छूट गई थी। किसकी? Seed. हाँ जी। Seed की definition? हाँ जी लिखिए बेटा। सीड आर प्रेजेंट इनसाइड द राइपन्ड ओवरी, दे गिव बर्थ टू अ न्यू प्लांट ऑन जर्मिनेशन। आदगुन, मैम एक बारी पेरिकार्प की डेफिनेशन बता दो। किसकी? मैम पेरिकार्प की। पेरिकार्प क्या होती है? इट इज उसकी डेफिनेशन आउटर एक्सटर्नल वॉल ऑफ फ्रूट और राइपन्ड ओवरी। ओके मैम थैंक। Those who have done, they can start drawing the diagram, parts of flower. Beta, diagram is not neat. These are sepals. Got it? ये कहाँ पे है? हवा में? करो दोबारा। एनीबडी एल्स जिसका हो गया ब्रिंग द डायग्राम हियर।
फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिवीजन फन विद मैग्नेट्स कंप्लीट योर कॉपीज एंड फाइल्स और अगर इस चैप्टर में किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी नाउ अरमान हैव यू डन व्हाई यस स्टूडेंट्स हरी अप लाइए बेटा आशिमा हरिडली ब्रिंग योर कॉपी यस सक्षम समर्थ यस मैम आई हैव डन मैम ओके गुड Anji, you have done. Harman, have you made the flower? Show me. Bring your pencil along with. Done. Come one by one. Keep it here. ये क्या बनाया है? They never touch each other. ये क्या है? ऐसे? Don't you remember? This is thalamus. इसके अंदर होती है ओवरी ये देखिए Right? लाइए संचित मैंने कहीं से ज्वाइन करा इनको और ये क्या बनाए हैं ऐसे ड्रॉ लाइक दिस गॉट इट लाइए संचित व्हाट इज दिस क्या है ये ये स्टेम बोलते हैं इसको व्हाट आई टोल्ड यू कहां से देखा तुमने ये डायग्राम व्हाट इज दिस ऐसे बनवाया मैंने पेज दूसरा निकालो ठीक है फ्लावर तुम जैसा मर्जी बना लो नो प्रॉब्लम ओके यस साव्या यस बेटा लेबल इट नाउ संचित और अलग से बना के लाओ यस साव्या मैम आई वांट टू शो माय एलएस फ्लावर ओके बेटा आफ्टरवर्ड्स ओके मैम अरमान आई एम वेटिंग हैव यू मेड वेरी बैड बाकियों का तो एक बार चेक हो चुका है पहले भी ड्रॉ इट हां जी लाइट शेडो रिफ्लेक्शन में डायग्राम उसमें रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन की डायग्राम है एक तो राइट और तो कोई नहीं है एनी अदर डाउट टू एनीवन
लाइए कम पेंसिल लाइए सेपल्स ना ऐसे हैं ये इतनी वो बनाने की जरूरत नहीं है पेटल्स ठीक है क्योंकि हम काट रहे हैं बीच में से ऐसे ऐसे है ये राइट हाथ नहीं उठाया मैंने कहाँ है तेरे सेपल्स कहाँ जा रही हैं ये अभी भी ठीक नहीं है यस आर्यन यस आर्यन बेटा मैम मेरे को अपना डायग्राम दिखाना है बेटा आई विल चेक इन योर कॉपीज हियर आई कैन नॉट सी आपकी डायग्राम मुझे दिखाई नहीं ओके